अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू, आज की वीडियो में हम देखेंगे CDP के 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में पूछे ही गए हैं। तो हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 क्वेश्चन का सेट लेते जाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CDP 2023 जुलाई के लिए। ये प्रैक्टिस के अगर आप सेट पूरे कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा, प्लस रीडिंग स्पीड भी इससे बढ़ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग। नूर ने अपना टिफिन भूल गए और तानिया को बोले कि आप तानिया आपका टिफिन शेयर करो, लेकिन क्या बोले, यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ यू यस्टरडे, कि मैंने आपको यस्टरडे अपना टिफिन शेयर किया था तो आपको आज आपका टिफिन मुझे शेयर करना होगा। तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है क्या इसे, फिर भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थेरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डैश ओरिएंटेड टिपिकल एट स्टेज। अब देखिए यहाँ क्लियर है कि एक्सचेंज एंड टिक फॉर टैट वाली स्टेज आ गई है कोहलबर्ग की थेरी के हिसाब से, कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए वो करूँगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये है नहीं, ओबीडियंस ये है नहीं, बींग नाइस नहीं, ये है एक्सचेंज, एक्सचेंज टिक फॉर टैट। जो फर्स्ट में हम देखते हैं कि एक जो लेवल है, फर्स्ट जो लेवल होता है कोहलबर्ग की थेरी का, फर्स्ट लेवल, इसमें दो स्टेजेस होती है। एक स्टेज होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड और दूसरी होती है एक्सचेंज, यानी कि टिक फॉर टैट की, कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए वो करूँगा या करूँगी। तो इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन को आंसर मिल गया हमें। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या, जो एक एक मखसूस खसूसियात हम जो देखते हैं, डीम अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। तो देखिए जहाँ हम अलग अलग सेक्स के लिए हम देखते हैं कि मेल है फीमेल है, और उनके लिए जो हम एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये देखें कि मेल जो है वो रोते नहीं हैं, मेल रोते नहीं हैं, या फिर वुमन है तो वुमन कैसे रहेंगे, वो घर के कामकाज करेंगे, हाउस होल्ड एक्टिविटी वुमन्स करते हैं। तो ये एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एक अलग अलग कैटेगरी में ले लिया गया है मेल और फीमेल को लेके। तो फिर ये क्या है, तो ये क्या है, ये स्टेरियोटाइप है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, जेंडर रोल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक अलग डिस्क्रिमिनेशन करके कैटेगरी के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक जो डिफाइन कर देते हैं कि हाँ मेल रोते नहीं हैं फीमेल रोएंगी, या मेल हाउस होल्ड एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फीमेल करेंगी। तो ये रहता है जेंडर स्टेरियोटाइप। थर्ड है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरी इन करिकुलम, कि क्या कर रहे हैं, करिकुलम में स्टोरी को ऐड किया गया है, वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क। अब फादर को इन्वॉल्व किया गया है किस में, हाउस होल्ड वर्क में, कि फादर घर का काम कर रहे हैं, एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज़, धिस मूव इन इम्पॉर्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अब ये क्या है, देखिए अभी हमने देखे कि जेंडर स्टेरियोटाइप में क्या किया जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करके एक अलग ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फादर हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहे, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, मदर को बताना था तो फादर को बता रहे। तो फिर ये क्या शो कर रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, इट एम्स टू स्ट्रेथन जेंडर बाइस्ड, जेंडर बाइस्ड करा रहा है क्या इसमें, नहीं, यहाँ तो उल्टा बता रहे, इट्स एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, बिल्कुल सही, कि जो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं वहाँ से। तो ये सही है, ये स्टोरी के थ्रू यही बताया गया है, इट एम्स टू इंकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, तो जेंडर कॉन्स्टेंसी को इंकरेज कर रहे हैं कि ये नहीं, इट्स एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो और उल्टा बताया जा रहा है कि फादर हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं या हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, देखिए जहाँ सपोर्ट की बात आ गई तो वहाँ स्कैफोल्डिंग आंसर हो गया, क्योंकि टेम्प्ररी सपोर्ट जब बच्चे को मिलता है अडल्ट से या उनके एम की ओ से तो वो होता है स्कैफोल्डिंग, डायरेक्ट आंसर मिल गया। डिस्कवरी लर्निंग है नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD ये है नहीं, इंटर सब्जेक्टिविटी नहीं है, यह है स्कैफोल्डिंग जहाँ टेम्प्ररी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है बच्चे को। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज में होती है क्या? नहीं। देखिए पियाजे के अकॉर्डिंगली बच्चा ऑपरेशन परफॉर्म करता है 7 ईयर की एज से बच्चा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, बच्चा शो कर देता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में तो ये होगा नहीं जो बर्थ टू 2 ईयर की है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं करेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी बच्चा नहीं करेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये चीज़ को परफॉर्म करता है। क्या करता है वो? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करता है बच्चा, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हम यूज़ करते हैं हमारे प्रॉब्लम को लेके, या जो एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं, या हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। जब आप कहाँ पहुँच जाते हैं, एक अडल्ट हो जाते हैं तब, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कब यूज़ करता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो लास्ट स्टेज थी पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। अब यहाँ पे नाम दिए गए हैं, देखिए जहाँ पर भी सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो आंसर होगा वाइगोस्की। वाइगोस्की की थ्योरी थी सोशल लर्निंग और सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी, तो कोहलबर्ग ने इसकी बात नहीं किए थे, मॉरल डेवलपमेंट की बात किए थे। जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किए थे, उन्होंने भी सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं किए थे, लाइव वाइगोस्की ने इस पे फोकस किए थे। तो आंसर होगा हमारा थर्ड, लाइव वाइगोस्की। नेक्स्ट है, ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। पियाजे की थ्योरी के हिसाब से जो टीचर ग्रेड 6 to 8 के हैं, उन्होंने अपनी क्लासरूम के अंदर क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो देखो डिस्करेज ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, इसलिए हम स्टेटमेंट पे जाते ही नहीं। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करोगे तो वो बेस्ड होना चाहिए, काय पे? रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए, तो ये एक राइट हो गया। यूज्ड ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट, तो ओनली ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से ही आपने इसे कैंसिल कर देना है। रिलेट करना है सॉली ऑन डिस्क्राइब्ड सिलेबस, तो सॉली यानी कि ओनली, और ओनली भी निगेटिव वर्ड है, और जो प्रिस्क्राइब डिस्क्राइब किया गया है सिलेबस, तो सिर्फ उस पे ही टीचर ने फोकस नहीं करना है, इसलिए ये दोनों ही तरह से रॉन्ग हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स वैल्यू एंड motives that make them responsible productive member of society is called, इसे कहा जाता है socialization, इसे क्या कहा जाता है? socialization, inclusion है नहीं, mainstreaming है नहीं, differentiation है नहीं, socialization, कि जहाँ पे एक individual अपनी habits, values को produce करता है, उसको product करता है society का एक अच्छा member बनने के लिए। next है, Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? Heredity and environment के हिसाब से कौन सा statement correct होगा? The only reason for individual difference is heredity. तो only ये negative word है, तो उससे ये cancel हो गया, और ये एक ही individual difference होने का only जो reason है वो heredity है क्या? नहीं, environment भी इसमें शामिल है, तो ये wrong हो गया। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली
शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो बिल्कुल नहीं. सिर्फ यही करेंगे क्या, इन्वायरमेंट ही इन्फ्लुएंस्ड करेगा क्या? नहीं. नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल रॉन्ग है. डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स्ड इंटरप्ले, ये बिल्कुल राइट है. तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया. नेक्स्ट है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में डैश कौन से इनमें राइट होंगे या क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, ये बिल्कुल राइट है कि जो नॉलेज है वो लर्नर के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. नॉलेज इज रिसीव पैसिवली बाय लर्नर, नहीं एक्टिवली होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया. नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, बिल्कुल नहीं. नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, रिकॉल करा रहे हैं इस तरह से, ये भी नहीं. तो राइट हो गया ऑप्शन नंबर 1 के जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है किससे? लर्नर के थ्रू, हैंड ऑन एक्टिविटी के जरिए और उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे जो वो गेन करके आए हैं. तो हमने लिए है 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चन असर इंस्टीट्यूट से CTET जुलाई 2023 के लिए. ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है. थंबनेल पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और प्लस यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के लिए. वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.